Good morning, my dear students. Before starting our English class, let's recite the prayer. So join your hands and start your prayer. सबका भला जब देखे सबके गुण देखे मीठा मीठा बोले सबसे सबके मन को भाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम इस जग को Today we will start lesson number 16 of your reader book, The Angel of My Life. And this chapter is given on page number 96 of your reader book. जब आप स्कूल आते थे, आपकी समर वेकेशन होती थी, है ना? जो आपको जून में हॉलीडेज मिलती हैं, वन मंथ की समर वेकेशन होती है ना? आप उसमें एंजॉय करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं नानी माँ के घर जाते हैं दादी माँ के घर भी जाते हैं कुछ बच्चे और खूब इंजॉय करते हैं खेलते हैं और नानी माँ और दादी माँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाती हैं है ना तो आप सब अपनी वेकेशन इंजॉय करते हैं ऐसे ही ये जो हमारी स्टोरी है एंजल ऑफ माई लाइफ विच इज लेसन नंबर 16 ऑफ योर रीडर बुक गिवन ऑन पेज नंबर 96 इसमें भी एक ऐसी ही स्टोरी है जो एक बच्चा अपनी नानी माँ के घर या दादी माँ के घर जाता है और अपनी वेकेशंस को एंजॉय करता है ठीक है बट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ रीडर व्हाट डू वी डू द न्यू वर्ड्स सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यू वर्ड्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट न्यू वर्ड इज इलिटरेट I-L-L-I-T-E-R-A-T-E illiterate मतलब unable to read and write जिसे पढ़ना या लिखना नहीं आता that is illiterate virtues V-I-R-T-U-E-S virtues virtues means good quality जो हमारे हमें moral values से मिलती है virtues upright U-P-R-I-G-H-T upright means vertically straight mysterious M-Y-S-T-E-R-I-O-U-S mysterious means strange ajeeb rahasyamay emerge E-M-E-R-G-E emerge means come out ubhar kar samne aana that is emerge Number 6, lingers, L-I-N-G-E-R-S. Lingers means stays for longer than expected. जितना हमने expect किया होता है, कोई चीज उससे ज़्यादा हमारे पास रह जाती है. 7 number, creased, C-R-E-A-S-E-D. Creased means wrinkled. Summon, S-U-M-M-O. N-E-D. Summon means order someone to be present. जब हम किसी को order देते हैं कि इस time पर यहाँ पर तुम्हें present होना है, तो that is called summon. Last one is scatter. S-C-A-T-T-E-R-E-D. Scatter means distributed
वाइडली फैला हुआ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। As I told you earlier that this is the story of a boy who goes to his grandparents' house to spend his summer vacations. ठीक है, summer vacations spend करने एक बच्चा अपने दादी माँ के या जो नानी माँ जो भी हैं उनके घर जाता है और वहाँ पर जो वो करता है उसके बारे में हमें इस chapter में बता रहा है। उसकी नानी माँ का घर जो है वो एक छोटे से शहर में है, छोटा सा टाउन है वो सरवनपुर, वहाँ पर है। और वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। और उस टाइम में जिस टाइम की ये स्टोरी है उस टाइम पर बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए वीडियो गेम्स, मल्टीप्लेक्सेस या स्पोर्ट्स पार्क या मॉल्स वगैरह नहीं होते थे। उन दिनों में छुट्टियाँ स्पेंड करने का मतलब होता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना और कज़न्स और अंकल्स और आंट से मिलना। तो पेरेंट्स उन्हें वहाँ बच्चों को छोड़ आते थे और वो वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करते थे और अपना हॉलीडेज होमवर्क भी करते थे। वो बच्चा याद करता है कि जो मेरे बाकी कज़न्स भी आते थे, हॉलीडेज होमवर्क हम सबका सेम ही रहता था। जैसे हैंडराइटिंग होती थी, टेबल्स होते थे, पोइम्स लर्न करना होता था, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता था, अपनी ग्रैनी का प्यार उन्हें सबसे अच्छा लगता था। वो सबसे पहले घर में उठ जाती थी और कुछ कुछ बनाती थी बच्चों के लिए। हालांकि वो इलिटरेट यानी कि अनपढ़ थी, लेकिन हर एक फैमिली मेंबर को प्यार देना और उनको समझना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और पेशेंस उनका सबसे बड़ा अच्छा वर्च्यू था, वर्च्यू मतलब उनकी गुड क्वालिटी थी। और सब बच्चे उन्हें क्या कहते थे, बड़ी मम्मी कहते थे। और उनके दिन की शुरुआत कैसे होती थी, बड़ी मम्मी उनको उठने के लिए कहती थी और कहती थी कि मेरा लॉन तुम सबकी वेट करता रहता है, चलो अब मेरे लॉन में जाकर थोड़ी देर घूमो, जल्दी से उठो और मैं किचन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और बच्चे फटाफट से उठ के ब्रश करके किचन में जाते थे जहाँ पर उन्होंने चटाई बिछा रखी होती थी और सभी बच्चे चटाई पर बैठ जाते थे, मैट्स पर, ठीक है। उनकी किचन में स्टूल्स भी थे और मैट्स भी थी। खुद वो बड़े स्टूल पर बैठकर बच्चों को अपने आसपास बिठाती थी और अपने स्टूल के नीचे से बाउल निकाल के उनको केटल में से काढ़ा पिलाती थी। और बच्चे इधर उधर खाना भी गिरा देते थे लेकिन जो ग्रैनी थी वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करती थी। और जब वो सब काढ़ा पीते थे तो वो सिप करते हुए सुर की आवाज़ निकाल कर, ऐसे सुर की आवाज़ आती ना, ऐसे पीते थे। और वो साउंड उनको इरिटेट नहीं करती थी और जितना ज़्यादा ज़ोर से सुर करता था वो उतना ज़्यादा हंसती थी। फिर ग्रैंडपा जिन्हें वो बाऊजी कहते थे वो उनको वॉक पर लेकर जाते थे और उन्हें कहते थे अपने स्लीपर्स उतार कर लॉन में ग्रीन ग्रास पर घूमो। वो बच्चे बताते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े गुलमोहर के ट्रीज थे बहुत सारे और उन पर सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए थे। फिर बड़ी मम्मी के पास जाने की जल्दी भी होती थी, बाऊजी कहते थे जल्दी से चलो, बड़ी मम्मी हम सबका वेट कर रही होंगी। फिर अगर कोई उन्हें मिल जाता था ना बाऊजी को, फिर वो कहते थे कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सिटी से आए हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर हमारे साथ रहने के लिए, और देखो नेचर के पास आकर वो कितने खुश हैं। सिटी में तो पोल्यूशन होता है, कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी होता है, अब देखो ये बच्चे कितने अच्छे दिखने लगे हैं और ये क्लीन एनवायरनमेंट का मैजिक है। तो वो लोग कहते थे कि बाऊजी ये आपके प्यार की वजह से आते हैं। फिर बाऊजी उनको बड़ी मम्मी के पास लेके जाते थे कि चलो ब्रेकफास्ट कर देंगे। फिर सभी बच्चे घर जाते थे तो उन्हें क्या मिलता था, पंजाबी फूड वेट कर रहा होता था उनका, लस्सी, स्टफ्ड पराठे एंड बिग चंक्स ऑफ होममेड बटर यानी कि घर का बनाया हुआ मक्खन। और वो टेस्ट जो बच्चा है उसके टंग पर अभी भी है। और वो बोलता है कि बड़ी मम्मी कैसे सबको बहुत प्यार से संभालती थी ये बताना बहुत मुश्किल है, और कोई भी चीज़ उन्हें परेशान नहीं करती थी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाती थी।
ठीक है, और वहाँ पर वो लोग अपना काम भी करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वेकेशंस ख़त्म होने का टाइम आता था तो ग्रैनी जो थी वो और चीज़ें बनाने में बिज़ी रहने लग जाती थी। वो दोपहर को सोना छोड़कर हमारे लिए क्या बनाती थी, पोटैटो चिप्स और राइस रिंगलेट्स। तो हम जो 7 थे सभी बच्चे, वो 7 बॉयज़ थे, तो हम उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो चीज़ें बनाती थी हम उनको बाहर आउट इन द सन मतलब बाहर धूप में सुखा आते थे। और बाऊजी क्या करते थे, वो चिप्स को क्लॉथ के साथ कवर कर देते थे ताकि उन पर डस्ट ना आए और उन्हें बर्ड्स ना खा सकें। और बाऊजी के क्लिनिक, क्योंकि बाऊजी डॉक्टर थे तो बाऊजी अपने क्लिनिक से हेल्प करने के लिए किसी को बुला भी लेते थे, ठीक है। फिर ग्रैनी उनको क्या देकर भेजती थी, फ्लोर घी एंड शुगर, ताकि हमारे फेवरेट जो बिस्किट्स हैं वो बन सकें रामूजी बेकर्स की दुकान से, ठीक है। फिर टेलर घर पर बुलाया जाता था और सभी बच्चों के नए कपड़े स्टिच करवाए जाते थे। और लास्ट डेज में क्या होता था, बाबर उसे बुलाया जाता था और हम सबकी कटिंग करवाई जाती थी और हमें ऑयल का मसाज दिया जाता था। फिर लास्ट डे क्या होता था, बाऊजी और बड़ी मम्मी हम 7 बच्चों को छोड़कर आते थे। फिर हम सबको कहाँ छोड़कर आया जाता था, रामपुर वाइट एम्बेसडर में, और रामपुर से हम सभी बच्चों को लेकर जाना मेरे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और मेरे पापा हम सबको लेकर मेरे सभी कज़न्स को उनके घर छोड़ कर आते थे। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता था उनका प्यार। सभी अपने अपने घर चले जाते थे और अपने काम में बिज़ी हो जाते थे। जब मेरे 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हो गए तो मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूँगा। जब मैं MBBS का एग्ज़ाम क्रैक किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तब मेरे बाऊजी इतने खुश मैंने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया और मेरी बड़ी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उनको अपने हॉस्पिटल में बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए बुलाऊंगा। फिर मैंने जब अपनी MBBS कंप्लीट की और MD कंप्लीट करने के बाद मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना क्लिनिक कहाँ खोलूँगा, सरवनपुर में। सभी सरप्राइज थे और बाऊजी और बड़ी मम्मी इतने खुश थे कि मैंने उनको इतना कभी भी खुश नहीं देखा। उनका एनर्जी लेवल डबल हो गया था। बाऊजी ने अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में सबसे ऊपर पाया और सर ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देखकर क्या बोले, हे भगवान, सरवनपुर को अब अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिल गया है, अब हमें शहर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने बाऊजी के क्लिनिक को हॉस्पिटल में चेंज किया और चिल्ड्रंस वार्ड डिज़ाइन किया और वहाँ एक छोटा सा रूम था जिसमें चटाई यानी कि मैट्स लगी हुई थी और बड़ी मम्मी पेशेंट्स को स्टोरी सुनाती थी और भजन सुनाती थी। वो एक एंजल थी जिनका टच बहुत हीलिंग था और वो अपनी स्माइल से सबके दुखों को दूर करने की कैपेबिलिटी रखती थी। दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, लेट अस रिवाइज दिस चैप्टर थ्रू एनिमेशन, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ सके। अब हम इसका एनिमेशन देखते हैं। एंजल ऑफ माय लाइफ, माय ग्रैनी हु समहाउ लव्ड ईच वन ऑफ अस द सेम वे। She was the first one to get up in the morning and the last one to go to the bed. Totally illiterate. But she could manage every member of her family with her love and those understanding smiles. Patience was one of her most virtues. Lovingly, we would address her as Badi Mummy. A day began with her soft voice calling out to us, Get up! And go greet the flowers. The lawns wait to feel the soft steps of my grandchildren the whole year round. Get up, my little ones. I'm waiting in the kitchen. The last sentence always worked.
We would jump out of the beds, brush and report in the kitchen. Her kitchen was a room with chatai, mats rolled up in one corner and some low stools kept there. Like a queen of her world, she would take the center stage. Absolutely a bride. She would sit on the biggest stool with a kettle full of herbal tea, which came to us as kadha. She used to hide her bowls under her stool. In a mysterious way, she would pull out our bowls one by one, and serve something so soothing and special. We would spill our food a little over the mats, but her smiling face was like a pacemaker. Then we would sit close to her in a semicircle and sip with sound that did not irritate her. The loudest would make her laugh. It seemed as if just everything about us made her happy. Then Grandpa, whom we called Bauji, would emerge from his room to take us for a walk in the garden and then towards the lake close to the sugar mills. First, we would remove our slippers and walk barefooted in the lawns for a while and then go for a long walk with our slippers on. Bauji would look at us proudly and tell curious passerby, "My grandchildren have come from the city. They have left their parents behind to be with us. See how happy they are to be with nature. Oh, the city is full of pollution, smoke and contaminated water. Just see. See the color is back on their face. This is the magic of a clean environment." "Oh, Bauji, it's your love that brings them here. Let's go. Buddy Mummy must be waiting with breakfast." Back home, rich Punjabi food would greet us. Lassi, stuffed parathas and big chunks of homemade butter. Ooh, the taste still lingers in my mouth. It is difficult to recall how many each one of us ate, but Buddy Mummy would serve us with ease. Nothing in this world greased her brow, and nothing at all made her angry. As our vacations would slowly come to an end, she was seen making other preparations. She would give up her afternoon sleep and make potato chips or rice ringlets. All seven of us were boys, but somehow we would help her and lay her preparation out in the sun. Bauji would cover the wet chips with a Muslim cloth to save it from dust and birds. Then the tailor was summoned and new clothes were stitched for us. On the last day, she would accompany us along with Bauji, who would drive down seven of us to Rampur in a white ambassador. From Rampur, it was my dad's responsibility to reach the rest to their respective destinations. I was the youngest of all. I enjoyed their love the most. Just after my 12th standard exams, I cleared the medical entrance examination. I wanted to become a child specialist. I had never seen my Bauji laugh like that before. I completed my MBBS and MD and announced my decision to work in Sarvanpur. Everybody was surprised, but Bauji and Buddy Mummy smiled like never before. Their energy levels was doubled. Bauji was on the top of the world, looked heavenward and whispered, "Sarvanpur will have its own child specialist. We need not to rush the sick ones to the city." We bought the nearby land and got a children's ward designed. We had a small room with mats where Buddy Mummy narrated stories to the patients.
She's an angel with a healing touch who continues to reach out through her smiles. I hope all of you have understood the chapter. So, let's start doing the book work. अब हम इसका book work करते हैं. Now, question number 1. Choose the correct option. आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसको ब्लैंक में फिल करना है. देयर वर टोटल ऑफ डैश कजन्स हु वेंट टुगेदर टू ग्रैनीज हाउस. ग्रैनी के घर जब जाते थे तो वो लोग कितने कजन्स होते थे? 5, 7 या 10. द हर्बल टी दैट बड़ी मम्मी सर्व्ड वॉज. हर्बल टी जो बड़ी मम्मी सर्व करती थी उसका क्या नाम था? काढ़ा, शरबत या चाय? द नरेटर हु डिसाइडेड टू वर्क इन सरवनपुर बिकेम अ. जो वो स्टोरी सुना रहा है उसने सरवनपुर में काम करने का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि वो क्या बन गया था? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फार्मर या इंजीनियर? ग्रैनी वुड पैक द चिप्स विद फ्लोर, घी, शुगर एंड नट्स टू रामूजी बेकर्स टू मेक. ग्रैनी फ्लोर, घी, शुगर और नट्स रामूजी बेकर्स के पास क्यों भेजती थी? क्या बनवाने के लिए? केक, कुकीज या स्वीट्स? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. लविंगली ऑल चिल्ड्रन एड्रेस देयर ग्रैनी एज बड़ी मम्मी. प्यार से सभी बच्चे ग्रैनी को क्या बोलते थे? बड़ी मम्मी. इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू द किचन इन द मॉर्निंग. सभी बच्चे किचन में चले जाते थे सुबह. चटाई मीन्स बेड कैप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. चटाई का मतलब बेड था जो कॉर्नर में पड़े रहते थे. द लेक वॉज क्लोज टू द शुगर मिल्स. जो लेक था वो शुगर मिल्स के पास ही था. वेन द चिल्ड्रन रिटर्न्ड बैक होम फ्रॉम द वॉक साउथ इंडियन डेलिकेसीज ग्रीटेड देम. जब बच्चे वॉक से वापस आते थे तो उनको साउथ इंडियन डिशेज मिलती थी. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. What was common about the homework received by the narrator and his cousins? उस narrator और उसके cousins को जो holidays homework मिलता था उसमें क्या common था? Which Punjabi food welcomed the narrator and his cousins? कौन सा पंजाबी food narrator और उसके cousins को घर पे मिलता था? How did Granny reach people with her healing touch? Granny अपने healing touch से लोगों तक कैसे पहुंच जाती थी? लॉन्ग आंसर. डू यू थिंक बड़ी मम्मी वॉज अ क्वीन लीडर? गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर्स. क्या आपको लगता है बड़ी मम्मी एक रानी की तरह लीड करती थी? उसको आपने आंसर करना है. टू सेंटेंसेस, टू एग्जाम्पल्स देने हैं. डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडफादर फेल्ट अबाउट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. ग्रैंडफादर जो थे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कैसा फील करते थे? नंबर 3. व्हाट मेड ग्रैंडफादर फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा क्या था कि ग्रैंडफादर अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे थे? ठीक है. देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन. ओ बाऊजी इट्स योर लव दैट ब्रिंग देम हेयर. ओ बाऊजी ये आपका प्यार है जो इन्हें यहाँ लेकर आता है. नेम द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन. किसने ये बात बोली थी? हु इज बाऊजी हेयर. यहाँ पर बाऊजी कौन है एंड हु आर देम रेफर टू हेयर. और इसमें देम किसके लिए यूज किया गया है? देन कम्स द वर्ड बैंक पार्ट. इसमें आपको प्रिफिक्सेस ऐड करने हैं री, एन, यू एन और डेस, जिससे आपका नया वर्ड बन जाएगा. ठीक है. प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स पहले लगाए जाते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देखिए फॉर्म. फॉर्म के लिए हम क्या वर्ड लगा सकते हैं? आई एन, ताकि वो क्या बन जाए? इनफॉर्म. है ना, ऐसे ही होता है ना. तो आपने क्या करना है, इसको सारे जितने भी आपको वर्ड्स दे रखे हैं उन सब के लिए करेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करके एक नया वर्ड बनाना है. ठीक है. होमवर्क टाइम. नाउ यू विल राइट द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड बुक वर्क इन योर बुक.
care of yourself. Thank you.